एंड इन्फोरिट सीरीज यू नो दैट कि हम किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को अगर लिखना चाहें दैट कैन बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ अ सीरीज ए नॉट प्लस सम एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस सम फ्रॉम एन इक्वल वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स. सो दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ अ फॉरियर सीरीज एंड द कोफिशिएंट्स आर लाइक ए नॉट ए एन coefficient a naught is basically a naught is 1 upon 2 pi integral from minus pi to pi f of x dx. This is a naught and a n is 1 upon pi integral minus pi to pi f of x cos nx dx. And similarly we have this 1 upon pi minus pi to pi f of x sine nx dx. So this is the Fourier series and its coefficients. So any periodic function which is having single valued, finite valued and finite number of discontinuities. So any function can be expressed in a form of a series called Fourier series and these are the coefficients. तो आज हम बात करेंगे पार्सल आइडेंटिटी के बारे में. पहले तो पार्सल्स आइडेंटिटी. तो जैसे हम किसी फंक्शन की फॉरियर सीरीज का एक्सपेंशन ये है तो मुझे अगर उस फंक्शन स्क्वेयर्ड फंक्शन का अगर मुझे फॉरियर सीरीज लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ. लेट अस सी हाउ. इसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन लगा देता हूँ. एफ ऑफ एक्स को ना मैं क्या करता हूँ एफ ऑफ एक्स जो ये हमारा फॉरियर सीरीज है इसको एफ एक्स से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस पाई टू पाई. तो एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वेयर हो जाएगा माइनस पाई टू पाई. ये बना ए नॉट को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई टू पाई प्लस समेशन एन वन टू इन्फिनिटी बी ए एन ए एन एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स. सिमिलरली और इसमें इंटीग्रेशन भी है माइनस पाई टू पाई समेशन एन वन टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई बी ऑफ एन एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. तो इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि देखो ए नॉट और एफ ऑफ एक्स ए नॉट और एफ ऑफ एक्स तो इसमें अगर मैं वन पॉइंट टू पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ मतलब टू पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए नॉट ही बन जाएगा. तो एक ए नॉट ये है एक ए नॉट और बन जाएगा. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सो टू पाई ए नॉट स्क्वायर. इसमें अगर मैं इस 1 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ए एन तो ये है और ये टर्म भी ए एन ही बन जाएगी. तो पाई से मल्टीप्लाई ए एन स्क्वायर. सिमिलरली बी एन स्क्वायर ये हमारा एफ ऑफ एक्स है. तो अगर मैं इसको 2 पाई से डिवाइड कर दूँ थ्रू आउट तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स 1 upon 2 pi equal to a naught square plus a n square plus b n square divided by 2. तो देखो हम किसी फंक्शन जिस स्क्वेयर्ड फंक्शन का अगर हमें फॉरियर सीरीज लिखना है स्क्वेयर्ड फंक्शन को तो हमें a naught square b n a n square b n square का हाफ इस तरह से हम लिख सकते हैं. So this is called partial identity. This is called partial identity. Okay, so we have another topic for today, and that is the complex form of a Fourier series.
कॉम्प्लेक्स फॉर्म फॉरियर सीरीज। तो जो हमारा सीरीज है ना, इसमें हम डी मोर्गन थ्योरम का यूज करके हम इस सीरीज को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारा ना एफ ऑफ एक्स ये है ए नॉट प्लस सम फ्रॉम एन वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स को लिखा जा सकता है ई पावर आइटा एन एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस आइटा एन एक्स डिवाइडेड बाई टू। और जो हमारा ये साइन एन एक्स है इसको लिखा जा सकता है ई रेस पावर आइटा एन एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस आइटा एन एक्स डिवाइडेड बाई टू आइटा, ये बन गया। और इसमें अगर मैं e पावर आइटा एन एक्स e पावर माइनस आइटा एन एक्स की टर्म्स को अगर कॉमन लेता हूँ तो आई कैन राइट इट ए नॉट प्लस सम फ्रॉम एन वन टू इन्फिनिटी ई रेज पावर आइटा एन एक्स लिया हमने तो यहाँ पे आया ए एन, यहाँ पे आया बी एन और डिवाइडेड बाई टू और ये टू आइटा and we have sum from n equal 1 to infinity e raise power minus iota nx, minus iota nx के लिए बनेगा e power minus iota nx, तो ले लिया ना, तो an minus an by 2 होगा, यहाँ पे 2 iota होगा, तो minus bn by twice of iota, ये बन गया वाला। तो थोड़ा इधर कर लेते हैं हम वर्क। तो हमारा जो सीरीज है f of x, अगर a नॉट को मैं c नॉट से रिप्लेस कर देता हूँ प्लस ये ए एन बाई टू इसको मैं सी एन लिख देता हूँ प्लस सी एन प्लस सम फ्रॉम n इक्वल वन टू इन्फिनिटी e पावर आइटा एन एक्स इसको मैं सी एन लिख देता हूँ, इसको मैं सी एन लिख देता हूँ प्लस सम फ्रॉम एन इक्वल वन टू इन्फिनिटी और इसको सी ऑफ माइनस एन लिख देता हूँ आइटा एन एक्स लिख देता हूँ। तो सी नॉट तो हमारा ए नॉट ही है, जस्ट नाम बदल दिया, खाली कुछ नहीं है। और इसको ना इन सब को टुकड़ों में जो जुड़ा हुआ है इसको ना एक ही उसमें लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम फ्रॉम एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ पावर आइटा एन एक्स। ये देखो इसमें ना n जीरो के लिए तो c जीरो हो जाएगा ये वाले टर्म, n वन टू इन्फिनिटी में e पावर आइटा एन एक्स ये वाली टर्म बन जाएगी, n माइनस इन्फिनिटी टू जीरो वन टू इन्फिनिटी में ये वाली टर्म बन जाएगी। तो ये सारी टर्म्स इसी कॉम्पैक्टेड फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। और जो हमारा ये सीरीज आया, अच्छा सी नॉट और ए नॉट सी एन और सी ऑफ माइनस एन को भी लिख देते हैं, क्या है बेसिकली C of n जो है हमारा वो ये वाले टर्म है, इसको बोला हमने C of n ए एन बाई टू, तो ए एन आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड, तो ये ए एन माइनस बी एन ए एन माइनस बी एन बाई टू ये बन जाएगा, क्योंकि आइटा आएगा खाली इधर। C ऑफ माइनस एन जो होगा ए एन प्लस आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड आइटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा आइटा बी एन बाई टू, ये सी एन का वैल्यू है C ऑफ माइनस एन का वैल्यू है और ये सीरीज है। अच्छा इसमें कॉफिशियंट्स को जो इवेलुएट करना है ना उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इंटीग्रल फॉर्म बनता है कॉफिशियंट्स को इवेलुएट करने पड़ेंगे ना, तो इस फंक्शन को इवेलुएट करते हैं वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स ई पावर आइटा एन एक्स डी एक्स, इस फंक्शन को इवेलुएट करते हैं। तो ये क्या बनता है बेसिकली वन अपॉन टू लिख देता हूँ मैं एक तरफ और ई पावर आइटा एन एक्स को कोस ऑफ थीटा माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स
dx प्लस माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये बन गया। तो ये वाली जो टर्म है वो ए एन है, ये वाली जो टर्म है ये वन अपॉन पाई भी तो है ना मल्टीप्लिकेशन में, वन अपॉन पाई। ये वाली जो टर्म है वो इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, ये वाली टर्म इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। तो इनको प्लग कर देते हैं तो ये आएगा हमारा वन बाई टू ए एन अच्छा कोस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन थीटा ना, तो आइटा इसमें है इधर ए एन प्लस आइटा बी एन। तो ए एन प्लस आइटा बी एन बाई टू ये टर्म क्या बनी सी ऑफ माइनस एन, इसको बोलेंगे सी ऑफ माइनस एन। सिमिलरली ई पावर माइनस आइटा एन एक्स को इवेल्यूएट करेंगे तो वो बन जाएगा सी ऑफ प्लस एन, ये वाले टर्म आ जाएगी सी ऑफ प्लस एन जो आएगा वन बाई टू आइटा नहीं वन बाई टू ए एन माइनस आइटा बी एन। सो दिस इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फॉरियर सीरीज, इवेल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स ए एन बी एन सॉरी ए सी नॉट सी एन एंड सी ऑफ माइनस एन। सो थैंक यू वेरी मच एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चंस प्लीज़।